हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज जो है दैट इज लेक्चर नंबर थर्ड, राइट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में, राइट। उसको डिस्कस करने से पहले मैं जो लेक्चर नंबर टू था, सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक एंड फॉरेस्ट व्हिच इज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लाइट, राइट। इसके अलावा सक्सेशन में याद रखना है कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो जनरली क्या होती है, मीजोफाइट्स होती है। एंड जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो प्राइमरी सक्सेशन इट इज द स्लो एज कंपेयर टू द सेकेंडरी सक्सेशन, बिकॉज प्राइमरी सक्सेशन में फर्स्ट टाइम लाइफ आना शुरू होती है एंड सेकेंडरी में ऑलरेडी एग्जिस्टेड होती है, बट ड्यू टू सर्टन रीजन्स जो लाइफ है वो वहां पर खत्म हो जाती है, तो वहां पर सेकेंड टाइम शुरू होती है, राइट। तो ये सब हमने डिस्कस किया था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सक्सेशन फॉर द नीट। और अब मैं एक निमोनिक्स आपको देने वाला हूं फॉर इकोलॉजिकल हायरार्की, राइट। सो जब इकोलॉजिकल हायरार्की की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले तो क्या आते हैं, इंडिविजुअल्स, राइट। इंडिविजुअल्स जो है दे मेक्स द पॉपुलेशन, राइट। पॉपुलेशन जो है वो क्या बनाता है, कम्युनिटी, और कम्युनिटी आगे जाकर इकोसिस्टम बनाएगी, देन इकोसिस्टम आगे जाके बायोम, राइट, देन फाइनली द बायोस्पियर, राइट। फाइनली इट विल बी अ बायोस्पियर। सो जिसको भी ये इकोलॉजिकल हायरार्की याद नहीं होने वाला है, तो उनके लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाया हुआ है। द निमोनिक्स इज इडियट प्लीज कैरी एवरीवन्स, प्लीज कैरी एवरीवन्स बायोलॉजी बुक, राइट। सो यहां पर देखो उसको भला बुरा भी कहा जा रहा है, प्लस रिक्वेस्ट भी की जा रही है, लेट्स इडियट प्लीज कैरी एवरीवन्स बायोलॉजी बुक, राइट। सो अब इस केस में आपको क्या याद रखना है, राइट। तो इंडिविजुअल्स जो है इसको आपको याद रखना है, राइट, इडियट, इडियट से इंडिविजुअल याद रखना है। देन पॉपुलेशन का जो पी है दैट इज फॉर प्लीज, सो इसको आप यहां से याद रख सकते हो क्वाइट इजिली। कम्युनिटी सी से स्टार्ट होता है, तो यहां से आप याद रख सकते हो कैरी। देन इकोसिस्टम जो है उससे ई रिलेट कर पा रहे हो, तो उससे क्या याद रख सकते हो, एवरीवन्स, राइट। बायोम जो है उससे बायो आपको वर्ड दिख रहा है, सो यहां पर बायोलॉजी भी आपको वर्ड दिख रहा है, राइट। एंड बुक से आप किसको इंडिकेट कर सकते हो, बायोस्पियर को, राइट। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इकोलॉजिकल हायरार्की को याद रख सकते हो। निमोनिक्स इज Idiot, please carry everyone's biology book, जिसमें idiot का जो I है, it is for individual, then population का, please का जो P है, it is for population, then carry का C जो that is for community, and everyone's का जो E है, that is for ecosystem, then biology का जो BIO है, that is for biome, and book का जो B है, that is for biosphere, right? So this is the ecological hierarchy mnemonics, right? So अब हम next discuss करते हैं about the today's topic. So students, next topic अपना बहुत ही important है, एक और inter-specific interaction, right? Inter-specific interaction क्या होता है? Interaction between two species, right? Two or more than two species के बीच में जो interaction होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? Inter-specific interaction, right? अब ये जो है ये किसके लिए होता है, क्यों इंटरेक्शन होता है, इट इज फॉर फूड, राइट, फॉर फूड, फॉर हैबिटेट, फॉर लाइट एक्सेट्रा, राइट। सो ड्यू टू इंक्रीज इन डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग टाइप के स्पीशीज हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के, राइट। सो अलग अलग टाइप के हैं, कम्युनिटी में प्रेजेंट है, राइट। सो उनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, किस लिए, फॉर फूड, हैबिटेट, लाइट एंड एक्सेट्रा, राइट। सो इसको याद रखना है कि जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है वो किसके बीच में है, टू डिफरेंट स्पीशीज, टू और मोर देन टू डिफरेंट स्पीशीज। आगे बढ़ते हैं, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो है वो दो टाइप का है। पहला है पॉजिटिव, जिसको बेनिफिशियल इंटरेक्शन भी बोलेंगे, राइट, पॉजिटिव इंटरेक्शन या फिर बेनिफिशियल इंटरेक्शन, राइट। दूसरा टाइप है नेगेटिव इंटरेक्शन, विच इज ऑल्सो नोन एज डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन, राइट। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, पॉजिटिव ऑल्सो कॉल्ड बेनिफिशियल इंटरेक्शन, नेगेटिव ऑल्सो कॉल्ड डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन। अब इसको समझते हैं, व्हाट इज पॉजिटिव।
पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जहां पर जो दोनों ही स्पीशीज हैं उनको क्या होता है, बेनिफिट होता है. नो ऑफ दी स्पीशीज और नन ऑफ दी स्पीशीज इज हार्म्ड, इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरेक्शन. राइट, सो द मेंबर्स ऑफ वन और बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर बेनिफिटेड बट नाइदर इज हार्म्ड. तो जैसे मैंने बताया कि यहां पर जो स्पीशीज इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में उनको हार्म नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बेनिफिट, बेनिफिट होता है. इसीलिए इसको कहा जाता है बेनिफिशियल इंटरेक्शन. और पॉजिटिव क्योंकि अच्छी चीज हो रही है, राइट, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, किसी सबको फायदा हो रहा है, राइट. सो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव इंटरेक्शन, राइट. अब इसमें हम तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, राइट, तीन टाइप के पॉजिटिव इंटरेक्शन या फिर बेनिफिशियल इंटरेक्शन को पढ़ेंगे. पहला है म्यूचुअलिज्म, दूसरा है कमेंसलिज्म, राइट, और तीसरा है प्रोटोकॉर्पोरेशन, राइट. सो ये तीन टाइप पढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं हम. नेगेटिव या फिर डेटरमेंटल इंटरेक्शन, राइट, वर्ड से पता चल रहा है नेगेटिव. सो यहां पर याद रखना है वन और बोथ इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर हार्म्ड, सिंपल है, राइट. तो ये इस केस में क्या होगा, या तो वो जो दो इंटरैक्टिंग स्पीशीज है या तो वो एक को हार्म होगा या तो दोनों को हार्म होगा, राइट. तो इस टाइप के इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव या फिर डिटरमेंटल इंटरेक्शन, राइट. सो इसको याद रखना है. अब यहां पर भी हम तीन टाइप के इंटरेक्शन को डिस्कस करेंगे, राइट. पहला है एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा है कॉम्पिटिशन और तीसरा है अमेंसलिज्म, राइट. सो यहां पर भी तीन टाइप के इंटरेक्शन पढ़ेंगे हम, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी तीन टाइप. पॉजिटिव में तीन टाइप, राइट. पहला क्या है कॉमेंसलिज्म, दूसरा क्या है म्यूचुअलिज्म और तीसरा क्या है प्रोटो कॉर्पोरेशन, राइट. नेगेटिव में भी तीन टाइप है, कॉम्पिटिशन, एक्सप्लॉयटेशन, एमेंसलिज्म, राइट. सो आगे बढ़ते हैं विथ द पॉजिटिव बेनिफिशियल इंटरेक्शन. सो स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट टाइप ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, राइट, दैट इज पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरेक्शन. अब इसमें मैंने जैसे बताया था तीन टाइप का इंटरेक्शन होगा, राइट. इट इज अ वाइड स्प्रेड फेनोमेना, इंक्लूड्स म्यूचुअलिज्म, राइट. पहली चीज क्या है, म्यूचुअलिज्म है. दूसरी चीज क्या है, कमेंसलिज्म और तीसरी चीज क्या है, प्रोटो कोऑपरेशन, राइट. सो ये तीन टाइप के क्या है, पॉजिटिव बेनिफिशियल इंटरेक्शंस, राइट. अब फर्स्ट टाइप है म्यूचुअलिज्म, राइट. फर्स्ट टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं म्यूचुअलिज्म, व्हिच इज पॉजिटिव, मतलब दोनों ही स्पीशीज को क्या होता है, फायदा होता है. तो यहां पर मैंने इसे लिखा है प्लस प्लस, राइट. सो दोनों ही स्पीशीज को क्या होता है, बेनिफिट होता है. म्यूचुअलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म. ऑब्लिगेट का मतलब आप सभी को पता है कंपल्सरी, राइट. सो इसको याद रखना है म्यूचुअलिज्म, विच इज द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरेक्शन. इसमें दोनों ही स्पीशीज को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है. एंड म्यूचुअलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, राइट. अब इसमें देखते हैं वॉट इज म्यूचुअलिज्म. पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन इन विच मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, राइट. दो अलग अलग स्पीशीज जो है दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल, राइट. सो म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल मतलब क्या होता है, राइट, दोनों, राइट, बोथ आर बेनिफिटेड. सो इस केस में भी यही है कि म्यूचुअलिज्म के अंदर जो स्पीशीज का इंटरेक्शन हो रहा है दो या दो से ज्यादा, वो क्या है, आपस में ही डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल, राइट. अब इट इज एन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, कंपल्सरी है, राइट. अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो ग्रोथ एंड सर्वाइवल नहीं होगा, राइट. इसीलिए इसको कहा गया है ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, राइट. बिकॉज अगर कंपल्सरी इंटरेक्शन नहीं हुआ तो दोनों का जो ग्रोथ है वो और सर्वाइवल है वो क्या होगा, रुक जाएगा, खत्म हो जाएंगे, राइट. अब इसमें एग्जाम्पल्स देखते हैं. पहला एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म बिटवीन एनिमल, एनिमल दो एनिमल्स के बीच में म्यूचुअलिज्म कैसे है. एग्जाम्पल है टर्माइट्स, राइट, टर्माइट्स एंड फ्लैजिलेट्स. फ्लैजिलेट्स में एग्जाम्पल क्या है, ट्राइगोनेम्फा, राइट, ट्राइगोनेम्फा. अब ये जो एनिमल्स हैं, ये टर्माइट जो है ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट फ्रॉम वुड प्लांट्स, राइट. और ये जो फ्लैजिलेट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ टर्माइट्स, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे जो टर्माइट्स ने प्लांट या वुड से लिया हुआ है, राइट. सो इसमें दोनों को फायदा हो रहा है. कैसे हो रहा है, देखो, फ्लैजिलेट्स जो है वो टर्माइट्स से सेलुलोज ले रहे हैं, राइट. एंड अब इसके पास न्यूट्रिएंट नहीं है तो अब ये क्या करेगा, प्लांट और वुड से न्यूट्रिएंट लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, राइट.
सो यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल एनिमल, राइट? विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन? पॉजिटिव। पॉजिटिव में कौन सा? म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा हो रहा है। टर्माइट्स का खाना खत्म कर रहा है फ्लैजिलेट्स, राइट? और फिर टर्माइट्स का करेगा वुड या प्लांट के ऊपर एब्जॉर्ब करने के लिए कोशिश करेगा, राइट? सो ये याद रखना है, म्यूचुअलिज्म बिटवीन एनिमल एनिमल। आगे बढ़ते हैं, म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, राइट? म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। यहां पर यूका प्लांट फ्लावर्स, यूका प्लांट फ्लावर्स एंड प्रोनुबा इंसेक्ट्स। प्रोनुबा इंसेक्ट्स आपने देखा होगा, व्हाइट कलर के होते हैं, राइट? फ्लाइज टाइप है। और यूका प्लांट जो है इट इज जनरली फाउंड इन ड्राई एरियाज, कैरेबियन एरियाज में ये आपको ज्यादा दिखाई देगा। सो यूका प्लांट एंड प्रोनुबा इंसेक्ट क्या होता है? पॉलिनेशन बाय यूका प्लांट बाय प्रोनुबा, राइट? प्रोनुबा को इसलिए क्या जाता है, फीमेल यूका मॉथ, इसको भी याद रखना है आपको, राइट? सो पॉलिनेशन से प्लांट को भी फायदा है और जो प्रोनुबा इंसेक्ट है उसको क्या मिल रहा है, नेक्टर मिल रहा है। तो यहां पर आपको अगेन क्या दिखाई दे रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट। तो ये सेकंड एग्जांपल बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, यूका प्लांट फ्लावर एंड प्रोनुबा इंसेक्ट। प्रोनुबा इंसेक्ट क्या करेगा, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, राइट? जिस अब नेक्स्ट थर्ड है म्यूचुअलिज्म बिटवीन एल्गी एंड फंगस, ये राइट? आपको ये तो डेफिनेटली पता ही है, म्यूचुअलिज्म बिटवीन एल्गी एंड फंगस क्या होता है, लाइकेंस, राइट? तो ये तीन एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए आपको ये तीनों बहुत अच्छे से समझना है, राइट? सो स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर म्यूचुअलिज्म का, म्यूचुअलिज्म बिटवीन ट्री एंड इंसेक्ट, राइट? या फिर आप सिंपली बोलो तो म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, राइट? सो यहाँ पर फिग ट्री एंड वॉस्प स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन है, राइट? सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो पूरा कॉन्सेप्ट समझना है हमको कि कैसे ये दोनों म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं, राइट? हम ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? सो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, राइट? इन मेनी स्पीशीज ऑफ फिग ट्रीज देयर इज अ टाइप 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीशीज, विद द पॉलिनेटर स्पीशीज, राइट? सो फिग ट्री जो है उसका बहुत ही 1-to-1 रिलेशनशिप है, वेरी टाइट रिलेशनशिप है विद द पॉलिनेटर स्पीशीज, और इस केस में कौन है, वैस्प स्पीशीज, राइट? इट मीन्स दैट अ गिवन फिग ट्री और अ गिवन फिग स्पीशीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वैस्प स्पीशीज। सो 1-to-1 या टाइट रिलेशनशिप जो वर्ड है उसका मतलब यही है कि जो गिवन फिग स्पीशीज है, एक जो फिग की एक पर्टिकुलर स्पीशीज है उसको सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वैस्प स्पीशीज ही क्या कर सकता है, पॉलिनेट कर सकता है, नो अदर स्पीशीज, कोई और स्पीशीज नहीं कर सकता। तो यहां पर कंपलसरी चीज दिख रही है आपको, राइट? कि जो एक वैस्प का स्पीशीज है वही क्या कर सकता है, एक फिग के स्पीशीज को स्पेसिफिकली पॉलिनेट कर सकता है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, राइट? आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है देखते हैं। द फीमेल वैस्प यूजेस द फ्रूट, यहां पर आप याद रखें हम कौन से इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, वैस्प स्पीशीज, और कौन सा है, फीमेल। यूजेस द फ्रूट नॉट ओनली एज एन ओवी पोजिशन, दैट इज एग लेइंग साइट। सो यहां पर क्या करता है ये फीमेल वैस्प, क्या करता है, जो फ्रूट होता है फिग ट्री का, राइट? उसका इस्तेमाल करता है फॉर एग लेइंग, राइट? वो जो फ्रूट है फिग ट्री का वो एक साइट है फॉर एग लेइंग फॉर द फीमेल वैस्प, राइट? यूजेस, राइट, सिर्फ एग लेइंग के लिए नहीं बट यूजेस द डेवलपिंग सीड्स विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग इट्स लार्वा। सो यहां पर आपको दिख रहा है कि जो लार्वा है उसके डेवलपमेंट में जो है वो किसका इस्तेमाल करेगा, फिग के सीड्स का, राइट? तो आपको समझ में आ रहा है यहां पर क्या हो रहा है, राइट? जो फीमेल वैस्प है वो फ्रूट का इस्तेमाल करती है फॉर दी एग लेइंग, एग लेइंग साइट, राइट? और दूसरी चीज याद रखना है कि जो फ्रूट होगा, फ्रूट का जो सीड होगा, दैट विल बी यूज फॉर द नरिशमेंट ऑफ लार्वा। अब ये तो हो गया कि वैस्प को बेनिफिट मिल रहा है फिग ट्री से, अब फिग ट्री को क्या हो रहा है, फिग ट्री को भी बेनिफिट मिलना चाहिए बिकॉज हम म्यूचुअलिज्म की बात कर रहे हैं, राइट? बोथ आर बेनिफिटेड। सो यहां पर हमको इस पॉइंट से समझ में आ गया
कि फीमेल वस्प को कैसे बेनिफिट हो रहा है, वो क्या करती है वहां पर जाकर एग ले करती है. इट इज एन ओवी पोजिशन और एग लेइंग साइट. नेक्स्ट द वेस्प, वेस्प क्या करेगा, इट पॉलिनेट्स द फिग इनफ्लोरेसेंस. सो वेस्प जो है वो क्या करता है, इट पॉलिनेट्स द फिग इनफ्लोरेसेंस, राइट. सो अब इस वेस्प का क्या काम होगा, राइट. वेस्प को फिग ने बेनिफिट कर कर दिया, राइट. अब वेस्प को भी क्या करना है, बेनिफिट कर देना है फिग को. कैसे करेगा, इट पॉलिनेट्स द फिग इनफ्लोरेसेंस व्हाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग साइट. सो ये जो फीमेल वेस्प है वो जब एक सुटेबल एग लेइंग साइट ढूंढती है तो उसी दौरान क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है. और जैसे ही उसको एक एग लेइंग साइट मिल जाता है, राइट, पॉलिनेशन हो गया, मतलब यहां पर फिग ट्री को बेनिफिट हो गया, तो फिग ट्री भी सोच रहा है कि अब मैं इसको भी बेनिफिट कर दे रहा हूँ, राइट. तो वो जो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, जहां पर वो एग लेइंग का सो साइट है वो वहां पर क्या होता है, बैठ जाता है, राइट, एग ले करता है. फिर अब जो जो फ्रूट है, जो सीड है उस फिग ट्री का, उससे उस लार्वा को क्या मिलता है, वस्प के लार्वा को क्या मिलता है, नरिशमेंट, राइट. सो यही बात है. और यहां पर आपको दिख रहा है वेस्प जो है वो पॉलिनेट कर रहा है फिग ट्री को, एंड फिग ट्री जो है इन टर्न क्या प्रोवाइड कर रहा है, ओविपोजिशन, दैट इज एग लेइंग साइट, एंड सेकंड थिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग लार्वा. अगेन यहां पर हमने देख लिया म्यूचुअलिज्म, राइट. सो इन रिटर्न फॉर द फेवर पॉलिनेशन द फिग ऑफर्स द वेस्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड्स एज फूड फॉर द डेवलपिंग वेस्प लार्वा. जैसे मैंने कहा, सो दिस इज व्हाट इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन दिख रहा है आपको, राइट. दोनों को ही यहां पर क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है. इंपॉर्टेंट चीज ये है, याद रखना है कि अ गिवन फिग स्पीशीज इज पॉलिनेटेड बाय ओनली अ गिवन और अ पार्टनर वेस्प पर्टिकुलर स्पीशीज, राइट. सो दिस इज अबाउट द म्यूचुअलिज्म एग्जाम्पल, फिग ट्री एंड वेस्प स्पीशीज. सो स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, अपार्ट फ्रॉम the mutualism between the fig and the wasp, right. उसके अलावा एक और example है between the orchid flowers and bees. Again, it is a mutualism between the plant and animals, right. तो इस केस में क्या होता है, आइए देखते हैं. Orchids show diversity of floral patterns, right. अलग अलग type का उनका जो flower है उसका pattern होता है in terms of shape, color, etc., right. Which have evolved to attract the right pollinator. तो इसको याद रखना है कि ये जो diversity है floral pattern में orchids के, ये क्यों है? Because to attract the right type of pollinators insect. Right. तो pollinator insects कौन से होते हैं? Bees and bumblebees. Right. Bumblebees आपने देखा होगा, hairy bees होते हैं बड़े बड़े. जब भी वो fly करते हैं तो they make a sound. Right. So उसको हम बोलते हैं bumblebees. And ensure guaranteed pollination by it. Right. So, इतना याद रखना है. Orchids, right, they have different floral pattern, right, in order to attract the right type of pollinating insects like the bees and the bumblebees, right, which will ensure the guaranteed pollination. आगे बढ़ते हैं, example को समझते हैं हम कैसे mutualism हो रहा है orchid flower and bees के बीच में, right. So, the Mediterranean orchids known as ophrys, बहुत ही important है. The Mediterranean orchid ophrys employs sexual deceit, right? Sexual deceit, again एक बहुत ही important word है. Sexual deceit, right? Ophrys, sexual deceit एक important word है. Sexual deceit होता क्या है? यहाँ पर मैंने भी बताया हुआ है, right? So the Mediterranean orchid ophrys employs sexual deceit to get pollination done by a species of bee, right? So एक अलग कैरेक्टर दिखाता है ऑफराइस. कौन सा कैरेक्टर है? सेक्सुअल डेसिट. किस लिए? इन ऑर्डर टू गेट पॉलिनेटेड बाय अ स्पीशीज ऑफ अ बी, अ राइट टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ बी. कैसे हो रहा है ये सेक्सुअल डेसिट होता क्या है, यहां पर मैंने बताया हुआ है. देखिए, वन पेटल, ध्यान से सुनना है, वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर, वन पेटल ऑफ दिस ऑर्चिड फ्लावर, विच ऑर्चिड्स, मेडिटेरियन ऑर्चिड्स, बियर रिजेम्बलेंस टू द फीमेल बी, राइट. सो एक पेटल जो है उस मेडिटेरियन ऑर्चिड्स के फ्लावर का, वो अपने आप को कुछ इस शेप में, इस साइज में, इस मार्किंग में क्या करता है, मॉडिफाई कर लेता है कि वो कैसा लगता है, लाइक अ फीमेल बी. कैसे लगेगा?
लाइक अ फीमेल बी. अब क्या होगा राइट, किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर एंड मार्किंग्स. अब क्या होगा, अब ये जो पेटल है जो कि एक फीमेल बी की तरफ दिख रहा है, उसके तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, मेल बी राइट, एक राइट काइंड ऑफ मेल बी राइट. सो जो मेल बी है वो अट्रैक्ट होगा, इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव्स एज अ फीमेल. इस पेटल को, फ्लावर के पेटल को वो क्या देख पा रहा है, एज अ फीमेल, बिकॉज उस तरीके का उसने आपको मॉडिफाई कर लिया है. सो वहां पर क्या होता है, सुडो कॉपुलेट्स. सुडो कॉपुलेट्स मतलब फॉल्स फर्टिलाइजेशन या फिर फॉल्स कॉपुलेशन होता है राइट. बिकॉज वो जो पेटल है वो उसको कैसे दिखता है, फीमेल भी, और ये जो मेल भी है इट गेट्स एक्साइटेड राइट. सो वहां पर वो किसकी कोशिश करता है, इट ट्राइज टू गेट फर्टिलाइज्ड राइट द फ्लावर. सो वो बेसिकली एक फीमेल बी को फर्टिलाइज नहीं कर रहा, इट इज एक्चुअली फर्टिलाइजिंग द पेटल राइट. ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, जब ये कॉपुलेशन का प्रोसेस हो रहा है, विच टाइप ऑफ कॉपुलेशन, सुडो कॉपुलेशन. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट डस्ट द पोलन फ्रॉम द फ्लावर राइट. सो इसी दौरान क्या हो जाता है, इट डस्ट द पोलन राइट फ्रॉम द फ्लावर राइट. इट ट्रांसफर्स द पोलन टू इट, दस पोलिनेट्स द फ्लावर राइट. सो यहां पर आप सोचोगे कि यहां पर जो फीमेल इंसेक्ट है या फीमेल बी है उसको, मेल जो बी है उसको क्या बेनिफिट हो रहा है राइट. सो यहां पर जो उसका अट्रैक्शन था, उस अट्रैक्शन की वजह से वो कॉपुलेशन कर पा रहा है, दैट इज ओनली द बेनिफिट राइट. सो उसको याद रखना है. और जाहिर सी बात है कि जो मेडिटेरियन ऑर्चिड्स है उसको डेफिनेटली बेनिफिट हो रहा है राइट. इट इज गेटिंग पॉलिनेटेड बाय राइट टाइप ऑफ बी, राइट टाइप ऑफ मेल बी. मेल बी को क्या हो रहा है, जो उसका अट्रैक्शन था वो सेटिस्फाई हो रहा है बाय कॉपुलेशन. विच टाइप ऑफ कॉपुलेशन, सुडो कॉपुलेशन राइट. सो ये सेकेंड एग्जाम्पल है राइट, जिसको मैंने ब्रीफ में डिस्क्राइब किया हुआ है. ये दोनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, बिटवीन फिग ट्री एंड वेस्प एंड ऑर्चिड फ्लावर एंड बीज. सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉजिटिव या इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, कमेंसलिज्म राइट. कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक जो है उसको बेनिफिट होता है और एक जो मेंबर है इट इज अनइफेक्टेड राइट. सो इसको याद रखना है, कमेंसलिज्म मीन्स जो एसोसिएशन है दो स्पीशीज का, उसमें एक जो है उसको तो बेनिफिट होगा बट दूसरे को नुकसान भी नहीं होगा राइट. द सेकेंड स्पीशीज विल बी अनइफेक्टेड. सो एसोसिएशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ टू स्पीशीज इन विच वन इज बेनिफिटेड व्हाइल अदर इज ऑलमोस्ट अनइफेक्टेड राइट. तो इसको हम क्या बोलेंगे, कमेंसलिज्म राइट. सो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है लाइनस. लाइनस इज वॉट अ वुडी प्लांट फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट, मेनली दे आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट राइट. दे आर स्पेशलाइज्ड, या स्पेशलिटी जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमको देखने को देख सकते हैं राइट. सो देयर रूट्स आर प्रेजेंट इन सॉइल, रूट्स तो सॉइल में होता है राइट, बट देयर स्टेम यूज अदर प्लांट और ऑब्जेक्ट फॉर सपोर्ट राइट. हमने पढ़ा है मॉर्फोलॉजी में राइट. सो ये याद रखना है आप लोगों को कि जो रूट है, जाहिर सी बात है रूट्स तो क्या होंगे, बेनिथ द सॉइल राइट, बिलो द सॉइल, बट जो स्टेम है वो क्या होते हैं, दे आर यूजिंग अदर प्लांट और ऑब्जेक्ट फॉर सपोर्ट इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर लाइट. किस लिए होता है इसका इस्तेमाल, टू गेट अ बेटर लाइट राइट. सो आगे बढ़ते हैं. सो लाइनस आर द स्पेशलिटी ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट राइट. सो इसको याद रखना है. यहां पर एक और चीज मैं बता दू, देयर इज नो न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट जिसका जो है यूज करता है लिनस का स्टेम राइट. तो याद रखना, यहां पर कोई न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप नहीं है. ये जो लिनस, उसका लिनस का जो स्टेम है वो जो प्लांट या ऑब्जेक्ट पर सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट है उससे वो न्यूट्रिशन नहीं लेगा. इट इज जस्ट टू गेट अ लाइट ओके. सो इसमें एग्जाम्पल है वुडी बहुनिया एंड टीनोस्पोर राइट. सो इसको याद रखना है. अब आगे बढ़ते हैं एपीफाइट्स. एपीफाइट्स क्या होते हैं, यू ऑल नो राइट. स्मॉल प्लांट्स राइट विच ग्रो ऑन अदर plants. They are what? Small plants which will grow on other plants in the tropical rain forest. They will grow in the tropical rain forest. अब इनका जो है क्या role है वो देखते हैं. They utilize the space they
will utilize only the space of host plant for what? Light and humidity, right? Apiphytes हमने again morphology में पढ़ा हुआ है, right? और ये जो मैंने अभी example दिए हैं, ये हैं क्या? Support के लिए, right? ये support देते हैं, Bawonia tenospora, right? So इसको याद रखना है, apiphytes, linnus. Examples क्या है? Orchids, hanging mosses, right? Orchids and hanging mosses, they are what? The examples of apiphytes. Linnus, ठीक है, linnus हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. थर्ड है एपिजोन्स. एपिजोन्स क्या होता है? दोज एनिमल्स विच डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स, राइट? तो यहां पर देखो, डिपेंडेंट है दूसरे प्लांट या एनिमल पर, बट वो प्लांट या एनिमल को कोई नुकसान नहीं होगा, दे विल बी अनइफेक्टेड, राइट? पहला एग्जांपल है सकर फिश विच इज डिपेंडेंट ऑन शार्क, राइट? अब शार्क को सपोज कोई फूड दे रहा है, राइट? और सपोज वो फूड उससे मिस आउट हो गया, तो वो क्या होगा? उस फूड को सकर फिश क्या करेगा? खा लेगा. सपोज इसके अलावा कुछ जो पैरासाइट्स हैं वो शार्क के बॉडी पर है, तो जो सकर फिश है वो क्या करेगा? उस बॉडी पर से जो पैरासाइट है उसको भी क्या करेगा? खा लेगा. तो यहां पर शार्क को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, इट इज अनइफेक्टेड, ना ही उसको कोई हार्म हो रहा है, बट सकर फिश इज गेटिंग बेनिफिट, राइट? सेम विद पायलट फिश. पायलट फिश, शार्क, राइट? एक और एग्जांपल ले सकते हो ई कोलाई बैक्टीरिया का, राइट? वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है, उसको तो न्यूट्रिएंट मिल रहा है, राइट? वी आर नॉट गेटिंग हार्म, राइट? सो वो भी एग्जांपल आप ले सकते हो ऑफ द कमेंसलिज्म. इसके बाद है क्लोन फिश एंड सी एनिमल्स. नेक्स्ट एग्जांपल है बर्नैकल्स एंड व्हेल, राइट? और फाइनली एग्जांपल है कैटल, ईग्रेट एंड बर्ड्स एंड कैटल. कैटल, ईग्रेट, बर्ड्स, कैटल, राइट? अब इसको कैटल, ईग्रेट, बर्ड्स क्यों बोला? बिकॉज ये जो ग्रेजिंग होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स, राइट? कैटल जो होते हैं उनके साथ ये ग्रेजिंग करता है, राइट? सो इसको याद रखना, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? कैटल, ईग्रेट, बर्ड्स, बिकॉज दे आर ग्रेजिंग अलॉन्ग विद द कैटल्स. ओके, तो जब ये ग्रेजिंग हो रहा है, राइट? ध्यान से सुनो कैसे कमेंसलिज्म हो रहा है इस केस में. तो जब ये जो कैटल्स हैं वो ग्रेज कर रहे हैं, तो उस टाइम पर ये जो एरिकेट बर्ड्स हैं ये भी ग्रेजिंग उनके साथ ही करते हैं, राइट? और ये जो कैटल्स जो कि क्या कर रहे हैं, यहां वहां घूम रहे हैं, तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं टू द इंसेक्ट. उस एरिया के जो इंसेक्ट्स हैं उनको क्या क्रिएट कर रहे हैं? डिस्टरबेंस, राइट? सो ये डिस्टरबेंस जो है उसके वजह से क्या होता है, जो एरिकेट बर्ड्स हमको वो कैटल्स वो जो इंसेक्ट्स हैं वो दिख जाते हैं, और उनको उन इंसेक्ट्स को ये एरिगेट बर्ड्स क्या करते हैं? खा जाते हैं, राइट? पैर के बीच में, कैटल्स के पैर के बीच में जाएंगे, राइट? उनके ऊपर लटक जाएंगे, तो इस तरीके से ये कैटल्स के साथ काम करते हैं, राइट? सो कैटल्स को कोई फायदा नहीं है, बट यहाँ पर कैटल ईग्रेट बर्ड्स को फायदा होता है, बिकॉज जो कैटल्स हैं जो ग्रेजिंग एनिमल्स है वो उनके डिस्टर्बेंस की वजह से इंसेक्ट्स यहाँ वहां मूव करते हैं, तो उस मूव करने के दौरान ये जो एरिगेट बर्ड्स है वो उनको देख लेता है और क्या करता है? वो खा लेता है, राइट? सो इसको याद रखना है. दिस इज अबाउट व्हाट? कमेंसलिज्म. इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं. फर्स्ट है लाइनस, सेकंड है एपिफाइट्स, थर्ड इज एपिजोन्स. सो स्टूडेंट्स, अब थर्ड टाइप का जो पॉजिटिव या बेनिफिशियल इंटरेक्शन है वो है प्रोटो कॉपरेशन. प्रोटो कॉपरेशन में भी क्या होता है? दोनों को भी बेनिफिट होता है, राइट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप और नॉन ऑब्लिगेटरी इंटरेक्शन. अब इसमें होता क्या है? एसोसिएशन विच बोथ दी ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड. दोनों ही ऑर्गेनिज्म को क्या होता है? बेनिफिट मिलता है, बट दे कैन लिव सेपरेटली. इसको अच्छे से समझना है कि दे आर नॉट ऑब्लिगेट, राइट? दे आर फैकल्टेटिव, राइट? सो इसको याद रखना है कि दोनों आपस में जरूरी नहीं है साथ में रहेंगे, वो दूर भी रहेंगे तो भी उससे कोई भी बोल सकते हो नुकसान नहीं होगा, राइट? सो इसलिए यहाँ पर मैंने स्लैश लिखा हुआ है, राइट? सो स्लैश जो है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि दे कैन लीव सेपरेटली, राइट? सो इसी को हम क्या बोलेंगे? फैकल्टेटिव और ऑप्शनल एसोसिएशन, राइट? सो याद रखना है प्रोटो कॉपरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फैकल्टेटिव और ऑप्शनल एसोसिएशन. इसमें जो एसोसिएशन होता है वो क्या होता है? नॉन कंपल्सरी, ऑप्शनल या फिर फैकल्टेटिव, राइट? सो इसमें पहला एग्जांपल है हर्मिट क्रैब और सी एनिमल्स के बीच में. सी एनिमल्स एंड हर्मिट क्रैब के बीच में जो एसोसिएशन होता है वो एक क्लासिकल एग्जांपल है प्रोटो कोऑपरेशन का या फिर नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप का, राइट? अब इसमें क्या होता है, देखो
ये जो हर्मिट क्रैब है दे जनरली लिव इन द शेल्स ऑफ द डेड स्नेल्स, वो डेड स्नेल्स के शेल्स में रहना पसंद करते हैं, राइट। सो अब जैसे ही वहां पर ये हर्मिट क्रैब जाकर रहते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने सामने सी एनिमल्स को भी प्लेस कर देते हैं, राइट। किसको प्लेस कर देंगे, सी एनिमल्स को, और जो सी एनिमल्स हैं उनके जो टेंटेकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टिंगिंग होते हैं, राइट। द टेंटेकल्स आर स्टिंगिंग, राइट। वो क्या कर सकते हैं, दे कैन किल द प्रेडेटर्स, तो इसी तरीके से वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर जो सी एनिमल है इट इज लाइक अ वॉल, वो क्या कर रहा है, हर्मिट क्रैब को बचा रहा है, राइट, फ्रॉम द प्रेडेटर्स। और इन केस हर्मिट क्रैब के पास कोई खाना जाने से पहले किसके पास जाएगा, सी एनिमल्स के पास, बिकॉज सी एनिमल्स इज राइट इन फ्रंट ऑफ द हर्मिट क्रैब। सो ये फर्स्ट एग्जांपल है हर्मिट क्रैब सी एनिमल्स के बीच के एसोसिएशन को, राइट। सेकंड है टिक बर्ड एंड राइनोसेरस, राइनोसेरस एंड टिक बर्ड, कौन से टिक बर्ड, रेड एंड येलो बाइट। थर्ड है क्रोकोडाइल एंड प्लोवर बर्ड्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्रोकोडाइल जो है और प्लोवर बर्ड्स, जब भी प्लोवर बर्ड्स को डेंजर लगता है सो जो ये प्लोवर बर्ड्स है वो डायरेक्टली चले जाते हैं इनटू द माउथ ऑफ क्रोकोडाइल, राइट। जब भी जो प्लोवर बर्ड्स है उनको डेंजर लगता है दे गो इनटू द माउथ ऑफ द क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल से इसको क्या फायदा होता है, राइट। सो क्रोकोडाइल जो है उससे जो उसके अंदर के जो वेस्ट है या फिर जो गंदगी है वो साफ हो जाती है। ये जो प्लोवर लीफ है, प्लोवर बर्ड्स है, ये क्या करता है, क्रोकोडाइल के जो माउथ है वहां पर जो भी गंदगी है उसको क्या करता है, वो साफ कर देता है। तो जब भी क्रोकोडाइल को ऐसे लगता है कि कुछ जो माउथ है उसको वॉश करने की जरूरत है, उसको साफ करने की जरूरत है, उस टाइम पे वो अपने माउथ ओपन कर लेता है ताकि क्लोवर बर्ड्स उसके अंदर जाकर क्या कर सके, उसके माउथ को क्लीन कर सके, राइट। सो ये हो गया एग्जाम्पल प्रोटो कॉपरेशन, राइट। नेक्स्ट है स्केवेंजिंग, राइट। स्केवेंजिंग, अब स्केवेंजिंग जो है इट इज द एसोसिएशन इन विच वन पार्टनर इज कॉल्ड एज स्केवेंजर्स, राइट। ये इसमें जो स्केवेंजर्स हैं दे आर वन पार्टनर्स, स्केवेंजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेप्रोबायोंट, स्केवेंजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेप्रोबायोंट विच विल ईट द डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। सो स्केवेंजर्स एज यू ऑल नो, पता है आप लोगों को कि जो स्केवेंजर्स हैं दे ईट द डेड बॉडीज, राइट, ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट, विच, और ये जो डेथ हुआ दैट इज नेचुरली किल्ड और they are killed by the other animals, right? So यहाँ पर ये आपको क्या दिखाई देगा, scavenging, right? Which is association of one partner, which is called as scavengers, right? अब आगे बढ़ते हैं halotism. Halotism जो है, it is what? It is the association in which two organisms, जो in which two organisms when one behaves as a master and another behave as a slave. तो ये एसोसिएशन में आपको क्या दिखाई देगा, हेलोटिज्म में जो एक ऑर्गेनिज्म है वो मास्टर है और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, स्लेव है। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ लाइकेन्स एंड ह्यूमंस, राइट। ह्यूमंस जब भी ज्यादा व्हीकल्स यूज करेगा पोल्यूशन होगा, अब पोल्यूशन से मजबूरन लाइकेन्स का ग्रोथ नहीं होगा, तो यहां पर मास्टर हुए ह्यूमंस एंड लाइकेन्स आर व्हाट, द स्लेव्स, राइट। सो इसको याद रखना है, हेलोटिज्म एंड स्केवेंजिंग, राइट। ये जो है ये दे विल बी अंडर द पॉजिटिव बेनिफिशियल इंटरेक्शन, इट इज द एक्स्ट्रा पार्ट, राइट। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि जो पार्टनर है ये एक पार्टनर को फायदा हो रहा है, और यहां पर आप देखो कि हेलोटिज्म थोड़ा डिफरेंट ही है, राइट। इसको आप पॉजिटिव बेनिफिशियल, पॉजिटिव या फिर बेनिफिशियल इंटरेक्शन में इंक्लूड नहीं कर सकते, इट इज एन एक्स्ट्रा टॉपिक, राइट। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव और द बेनिफिशियल इंटरेक्शन। सो हेलोटिज्म, राइट, समझ में आया सबको, यहां पर हेलोटिज्म क्या होता है, इट इज द एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म इन विच द वन इज अ मास्टर एंड द अदर इज द स्लेव, राइट। सो दिस वाज फॉर द लेक्चर, और ये हो गया अपना लेक्चर कंप्लीट, दैट इज पॉजिटिव बेनिफिशियल इंटरेक्शन, राइट। वी हैव डिस्कस टुडे वी हैव डिस्कस, राइट, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, जिसमें हमने आज एक टाइप किया है पॉजिटिव, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेगेटिव। थैंक यू।